नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी मैथ्स की उसका जो चैप्टर 7th हमने स्टार्ट कर रखा है इंटीग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज 7.3 में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनकी हेल्प से इंटीग्रेशन को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं लगभग उनका काम आने वाला है, यहाँ पे उनका यूज होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रेट फंक्शन है, इंटीग्रेट फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5, ये है, ठीक है। तो सपोज इसका इंटीग्रेशन करना है तो उस इंटीग्रेशन को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो आई किसकी इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये एल्जेब्रिक होता है जैसे कि एक्स राइज टू पावर समथिंग, तो उसको हम एक्स राइज टू पावर एन फॉर्मेट से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये एल्जेब्रिक नहीं है, ये तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक दे रखा है। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको पहले आप लीनियर में कन्वर्ट करोगे, ये जो पावर 2 है इस पावर 2 को रिमूव करोगे, ठीक है। और ये पावर 2 कैसे रिमूव होगी, तो 11th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2 थीटा की, और इसकी एक नहीं चार आइडेंटिटी थी, थीटा लिखे हैं, एक्स लिखे, एक ही बात है। अगर मैं साइन वाले की बात करूं, इसकी एक आइडेंटिटी साइन में होती है, एक कोस में होती है, एक दोनों में होती है, साइन और कोस, और एक टेन में होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन है तो साइन वाले की अगर बात करूँ तो वो आपने पढ़ा था cos 2x इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स कैलकुलेट कर सकता ना, ये इधर लीनियर है, लीनियर फॉर्म में, एंगल चाहे कुछ भी हो उसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंट हमारा टारगेट क्या है, इस एक्सपोनेंट को रिमूव करना, यहाँ पे लीनियर होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स में निकालूंगा तो cos 2x फॉर्मेट में आएगी, जो भी आएगी, लेकिन उसके एक्सपोनेंट तो 1 है ना, लीनियर है, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैंने क्या किया, ये नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 2 sin² x, और ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी cos 2x, ठीक है। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स आप इजीली निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 - cos 2x, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां भी साइन स्क्वायर एक्स होगा उसको हम ये लिखेंगे। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है इस चीज को, ये आया कैसे वो मैंने बता दिया है, ठीक है। ऐसे अगर cos स्क्वायर एक्स हो तो उसको लिखेंगे cos, अगर यहां पे cos पे पावर 2 आ रही है तो यहां पे प्लस हो जाएगा बस, 1 + cos 2x / 2। अब बोलोगे सर ये 1 प्लस कैसे हो गया, तो इसके लिए आपको दूसरी आइडेंटिटी लेनी cos 2x की, जिसमें cos आए वो होते 2 cos² x - 1। अब मैंने क्या किया, इस माइनस 1 को इधर ला के प्लस कर दिया, यानी 1 + cos 2x कर दिया, और ये 2 मल्टीप्लाई है तो अपॉन में आ जाएगा, वही लिखा मैंने। तो ये आपको याद रखना है, जब भी cos स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और साइन स्क्वायर हुआ तो माइनस आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर तो ठीक है, टेन स्क्वायर अगर आ गया तो टेन स्क्वायर एक्स आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो टेन एक्स होता है, और 1 का एक्स हो जाएगा, ओके। ऐसे ही cot स्क्वायर एक्स का भी आप कर सकते हो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ओके। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक और कोसेक, देखो सेक स्क्वायर एक्स है तो उसका तो सीधा ही होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स है तो उसका भी सीधा ही हो जाएगा, ओके। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये जो एक्सपोनेंट है इसको रिमूव करके लीनियर में कन्वर्ट करना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 2 ही है, चलो 2 का तो आपने बता दिया, पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उनसे आपको क्लियर होता जाएगा ये, ठीक है, कहाँ पे क्या टेक्निक यूज होगी। तो अब ये जो रफर के इसको मैं रफ कर रहा हूँ, और ये जो साइन स्क्वायर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको एक्स बोल दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 1 - cos 2x / 2। तो 1 - cos, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो cos का एंगल है वो जो साइन का एंगल है उसका डबल आ रहा है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, ठीक है। ऐसे ही cos वाले में यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, अगर मान लो यहाँ पे 4x हुआ तो यहाँ पे 8x होगा, और यहाँ पे 2x + 5 हुआ तो 2 × 2x + 5 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन वाला है तो माइनस वाला आएगा, कोस स्क्वायर होता तो प्लस वाला आता, ओके। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, इसके प्लेस में ये लिखेंगे, लेकिन एंगल 2x + 5 है तो क्या बनेगा, 2 × 2x + 5, या फिर 4x + 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को अब मैं काम में लूंगा, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब उस चीज को आपको मेंशन करके बताना है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 - cos 2x / 2, ठीक है। अब ये यहां पे अप्लाई करना है, नाउ
आई इक्वल इंटीग्रेशन, ये 1/2 है ना, इसको तो मैंने बाहर कर दिया एज ए कॉन्स्टेंट कोफिशेंट, ठीक है। और ये जो अंदर बचेगा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस, और ये जो एक्स था उसका डबल एंगल है यहाँ पे, तो इसका डबल करो तो क्या बनेगा 4x+10। ओके, और ये ब्रैकेट लगा दो स्मॉल ब्रैकेट, और अब लगा दिया कर्ली ब्रैकेट dx। अब सेपरेट इंटीग्रेट कर दो इसको, i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, दैट इज dx माइनस 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 4x+10 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। i इक्वल, तो इसका तो आएगा x, साथ में 1/2 मल्टीप्लाई है, तो ये तो बन गया x/2 माइनस माइनस 1/2 अभी मत लिखो, रुक जाओ, कोस x मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब लीनियर है। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, तो मैंने लिखा साइन, और ये जो एंगल है उसको 4x+10, ठीक है। और ये आपको पता है कि जो x का कोफिशेंट होता है वो इंटीग्रेशन में अपोन में आता है, तो ये 4 अपोन में आएगा, लेकिन 1/2 पहले से है, तो क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया 1/8 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको ये इंटीग्रेंट फंक्शन रखा है, अब देखो यहाँ पे दोनों लीनियर है लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं, इन जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो इनको हमको ब्रेक करना है। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो 2 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 1+1 2 मल्टीप्लाई में प्लस करके डिग्री बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है लेकिन हमको तो लीनियर में लेके आना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो लीनियर में लाइन कैसे, तो उसके लिए अगर ये दोनों एंगल सेम होते, सपोज ये 3x है, ये भी 3x होता, तो ये बन जाता साइन एक्स कोस एक्स 4, साइन थीटा कोस थीटा 4, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता, और ये हमको पता था 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 से 1 में आ जाता, ठीक है, और लीनियर का लीनियर बना रहता। लेकिन अब की बात यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, तो अब क्या करें, एंगल अलग आ रहे हैं, तो ध्यान करो साइन ए कोस भी करके ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मूला था 11th क्लास में, लेकिन वहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे 2 नहीं है। अगर मैं 2 और लगा दूं तो 2 साइन ए कोस भी फॉर्म आ गया, इसका इसकी आइडेंटिटी हमको पता है, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड भी करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, आई इक्वल 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 3x कोस 4x dx, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गई है 2 साइन ए कोस भी फॉर्म, तो ये आइडेंटिटी होती क्या है कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, वी नो दैट 2 साइन ए कोस बी, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसको हम अब यहां पे अप्लाई करने वाले हैं, नाउ I इक्वल क्या बनेगा, देखो 1/2 एज इट इज है इंटीग्रेशन, अब इस पूरे के बदले ये फॉर्म देखने को मिल रही है ना, ये वाली फॉर्म एक ही है, तो जहां पे a वहां पे 3x, जहां पे b है वहां पे 4x, हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा साइन a प्लस b मतलब 3x+4x, 3x+4x प्लस साइन a माइनस b 3x-4x dx, ओके। अब इनको तमीज से लिख दो, i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन गया साइन 7x, इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन 7x प्लस ये 1/2 इसके साथ भी है, ये dx और लिखो प्लस की बजाय dx, अब प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो इस प्लस को मैं माइनस लिख दूं क्या, ठीक है लिख देता हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस प्लस को मैं माइनस लिख रहा हूँ, ये लो जी कर दिया माइनस, ओके। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं इन दोनों को, आई इक्वल साइन का क्या आएगा नेगेटिव कोस में आएगा है ना, तो माइनस और कोस 7x, लेकिन x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, अपॉन में 2 पहले से है, तो 14 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, यहाँ पे क्या आएगा साइन का क्या आएगा माइनस कोस x, वो माइनस इसको प्लस कर जाएगा 1/2 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, एक ही है, तो ये कोस x आ गया,
प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। ओके, जो थर्ड है इसमें आपकी बार तीन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तीन टर्म प्रोडक्ट में आ रही है, कोस 2x, कोस 4x और कोस 6x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा 2 cos a cos b, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वहां से आपको जो टर्म मिलेगी, दो टर्म आएंगी लेकिन प्लस में आएंगी, अलग होकर आएंगी, तो उन दोनों को मैं cos 6x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दो दोनों में ब्रेक हो जाएगी, फिर वहां पे फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, ऐसे किया मैंने 2 cos 2x cos 4x, इनको लिखा और इसको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रखा dx, ठीक है। इसमें मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, तो एक बार इसकी आइडेंटिटी भी यहां पर लिख देते हैं, वी नो दैट 2 cos a cos b फॉर में ना, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b प्लस कोस ए माइनस बी, तो इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आई क्या आएगा, देखो आई इक्वल 1/2 एज इट इज, और इसको मैंने इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, तो ये बनेगा कोस ए प्लस बी 2x प्लस 4x 6x प्लस कोस a माइनस बी 2x माइनस 4x माइनस 2x, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये 2x लिखा जाएगा, इस प्लस को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, cos 6x है। अब इस cos 6x को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, I इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये तो बन जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस ये 1/2 इसके साथ भी है, ये dx लिखो प्लस से पहले, dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा फॉर में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, तो cos स्क्वायर आ रहा है तो प्लस में बनेगी आइडेंटिटी, और वो क्या बनेगी, 1 प्लस cos 2x इस एंगल का डबल यानी 12x अपॉन 2 अपॉन 2 dx, और यहाँ पे मैंने क्या किया 1/4 कर दिया, ठीक है, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2 cos 2x cos 6x dx, ठीक है। I इक्वल ये बन गया 1/4, और इसका क्या आएगा 1 का x, और cos 12x का प्लस में आएगा sin 12x, लेकिन 12 अपॉन में आ जाएगा 1/12 sin 12x, ठीक है, प्लस 1/4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos a cos b, इस आइडेंटिटी से cos a plus b cos कितना 8x प्लस cos a minus b 4x cos 4x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, I इक्वल 1/4 को मल्टीप्लाई कर दे के अंदर, या फिर पूरे में कॉमन ले, चलो कर दो मल्टीप्लाई, 1/4x प्लस 1/48 साइन 12x, और इसका क्या आएगा, प्लस में आएगा लेकिन 8 अपॉन आएगा तो 32 हो जाएगा, 1/32 और साइन 8x, और इसका क्या आएगा, इसका प्लस में आएगा लेकिन 4 इंटू 4 16 आ गया, तो 1/16 साइन 4x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपकी बात क्यूबिक आ गया, स्क्वायर को तो हमको हमने देख लिया था स्क्वायर को कैसे रिमूव करते, लेकिन क्यूबिक आ जाए तो कैसे करें, तो साइन 3 थीटा में क्यूब आता है, साइन क्यूब आता है, ठीक है, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे, वी नो दैट, उससे पहले रेफरेंस में देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो साइन 3 थीटा क्या होता है, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से साइन क्यूब थीटा हम निकाल लेंगे, दोनों लीनियर आ रहे हैं, तो ये भी लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये टर्म कितना आएगी पॉजिटिव हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा और कितना बचेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, अब ये 4 हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो अब साइन क्यूब थीटा फॉर मैं तो उसको हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, वी नो दैट साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब एक्स है तो एक्स लिख लो, साइन क्यूब एक्स क्या होता है ये वाला 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहां पे अप्लाई करेंगे। नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन क्यूब, इसको मैं एक्स लेट करके यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये बनेगा 3 साइन एक्स, ये 1/4 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर लिखा 3 साइन एक्स, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 इनटू साइन एक्स, एक्स मतलब जो यहां पे एंगल है वो लिखा जाएगा 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 3x, यहां पे 3 है ना, तो ये जो एंगल है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 6x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखा मैंने dx। ओके, I इक्वल 1/4, अब इसको तो हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं तो चलो इसको तो मैं कर देता हूँ, क्या बनेगा 3 एज इट इज पड़ा रहेगा और जो कोफिशियंट है वो नीचे आएगा, x का कोफिशियंट 2 नीचे आ गया और साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन अप्लाई किया और आएगा क्या cos 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/6 नीचे आएगा और साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है तो वो माइनस इसको प्लस कर जाएगा कोस 6x प्लस 3 और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ये लिखा जाएगा, या तो आप यहाँ पे छोड़ दो या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, दोनों एंगल अलग अलग है, अगर दोनों एंगल सेम होते तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होता। ठीक है, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता तो इसको छोड़ दो, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आप बुक के आंसर से इसको मैच करना चाह रहे हो ना तो वो इसलिए क्योंकि इसने जो 2x प्लस 1 है उसी फॉर्मेट में रखा है, तो आप इसको 2x प्लस 1 फॉर्मेट में कब रख सकते हो, जब यहाँ से आप कॉमन क्या ले लो 3 कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा cos 3 थीटा फॉर्म बन जाएगी ना, तो cos 3 थीटा क्या होता है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आई क्या बनेगा, आई इक्वल 1/4 इसको बाहर ही रखो चलो अभी, और ये है आपके पास माइनस 3/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको लिख सकता हूँ cos 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ओके, अब cos 3 थीटा फॉर्म आ गई है तो इसको क्या लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। ओके, तो इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं, आई इक्वल 1/4 माइनस 3/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6। ओके, और इसको मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ इसको 4 cos क्यूब थीटा, cos क्यूब 2x प्लस 1, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, थीटा क्या है 2x प्लस 1। ओके, कर्ली ब्रैकेट प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब इनको तमीज से लिखना है, आई इक्वल देखो ये जो 1/4 है इस 1/4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि इससे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं इसको पॉजिटिव वाली टर्म को लिख रहा हूँ, जब मैं 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल 1/6 और ये टर्म बचेगी, तो लिखा मैंने 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1, एक तो ये आ गया और ये दोनों सेम है cos 2x प्लस 1 लीनियर है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो ये तो क्या है 3/2, ये क्या है 3, तो कितना आएगा 9/2 माइनस 9/2 और अपॉन क्या है 4 है तो माइनस 9/8 आएगा माइनस, लेकिन 1/6 इसके साथ है, मिस्टेक कर रहे हैं,
यहाँ पे 1/6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1/2 बचेगा यहाँ पे भैया, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होने के बाद 2 आएगा ना, और कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, -1/2 एंड -3/2 -2, ये क्या डेढ़, ये क्या आधा, डेढ़ आधा कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 आएगा नेगेटिव और वो इससे कैंसिल होगा तो -1/2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आप बुक में देखना चाह रहे हो, लेकिन हम रट के थोड़े ना जाएंगे कि आंसर क्या था, आपने अगर यहाँ तक कर दिया ये वाला तो भी बिल्कुल ठीक था आपका, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दिया सेम एंगल में लाने के लिए तो ये भी ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अब की बार इसमें क्यूबिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, साथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये गड़बड़ है, मतलब इसकी डिग्री 6 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो एंगल तो सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल क्यूब, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरे को 2 मिल जाए तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x होगा, तो ये 2 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 1 तो हम कर देंगे इसको, लेकिन 2 की कमी है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है, तो अब वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो क्या बनेगा देखो, i इक्वल, अब यहाँ पे जब मैं 2 अप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी 2 और वो नीचे का 2 बाहर आएगा तो अपनी पावर के साथ आएगा, मतलब 8 आएगा बाहर, 1/8, और अंदर क्या है 2 साइन एक्स कोस एक्स होल क्यूब, ये है आपके पास, ठीक है, तो ये रियल में ये 2 नहीं है, ये 8 है, 2 क्यूब देखो 8 आएगा, वो इसको कैंसिल करेगा, वही बचेगा जो आपके पास पहले से था, ठीक है, और ये बन गया साइन 2x, तो इसको लिखा मैंने 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब 2x, ये साइन 2x हो गया, पावर 3 है तो साइन क्यूब 2x हो गया dx, अब सिंगल आ गया लेकिन क्यूबिक है तो क्यूबिक को तो हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 3 थीटा के आइडेंटिटी से, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हमको मेंशन करना है, वी नो दैट, जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में किया था, एक बार पहले भी आया था साइन क्यूब थीटा, तो उसको आपने कहाँ पे आया था देखो, ये फोर्थ में ही आया था पिछले में, ठीक है, तो क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा इक्वल, साइन क्यूब थीटा इक्वल, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करो, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये होती है, तो ये टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 4 साइन क्यूब थीटा, ये मान लो कि यहाँ पे 4 है, और इधर बचेगा 3 साइन थीटा, और ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी साइन 3 थीटा वाली, और यहाँ पे जो 4 हमने एज्यूम कर रखा है उसको इधर ट्रांसफर कर दो तो अपॉन 4, तो साइन क्यूब थीटा को हम ये लिखेंगे, तो क्या लिखें साइन क्यूब थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 4 साइन 3 थीटा 4 साइन 3 थीटा अपॉन 4 अपॉन 4, ये लिखेंगे हम इसके बदले, ठीक है, तो आई इक्वल, आई देखो किसकी इक्वल आएगा, ये आई है, ओके 1/8, ये 1/8, ओके, और ये 1/4, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना साइन क्यूब थीटा की, इस ये थीटा मान लो थोड़ी देर, तो 4 तो एज इट इज आएगा, वो 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1/32 हो जाएगा, 1/32 इंटीग्रेशन साइन क्यूब, इसकी वैल्यू ये लिखेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 साइन जो थीटा है उसको लिख दो, थीटा क्या 2x है तो उसको लिखा, माइनस 4 साइन 3 थीटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6x विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया, अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन हम इजीली कर लेंगे, तो नीचे वाले को पहले मैं रफ कर देता हूँ, i इक्वल 1/32, और अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखो 3 कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, आएगा क्या कोस में आएगा, तो ये बनेगा कोस, और जो 2x है उसको लिखेंगे ऐसे, इसमें साइन का नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा, और 6 अपॉन में आ जाएगा कोस 6x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, या तो आप यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है, तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एंगल था वो सिंगल x था, यहाँ पे 2x 3x आ रहा है, तो इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करें, तो कोस 6x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 2 इंटू 3x या फिर 3 इंटू 2x,
तो मैं कोस थ्री इंटू टू एक्स लिख के कोस थ्री थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये बनेगा आई इक्वल वन अपॉन 32 माइनस 3 बाई टू कोस 2x, और इसको लिखा मैंने 2 बाई थ्री, ये क्या है 2 बाई थ्री है, 2 बाई थ्री, और ये बन गया कोस 3 इंटू टू एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। ओके, आई इक्वल 1 अपॉन 32 इंटीग्रेशन माइनस 3 बाई टू कोस 2x, और इसको अब मैं लिख रहा हूँ प्लस 2 बाई थ्री कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी 3 कोस थीटा, सॉरी 4 आएगा, 3 नहीं 4, 4 कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 3 कोस 2x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यहाँ पे जो थीटा था वो 2x है तो मैंने 2x फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ओके, अब कोस 2x वाली जो टर्म है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को सोल्व कर लो, ये 3 इससे कैंसिल, माइनस 2, ये क्या है माइनस 2, और ये क्या है माइनस 3 बाई 2, तो कितना आएगा माइनस 7 बाई 2, तो इन दोनों के बदले क्या लिखूं मैं, माइनस 7 बाई 2 कोस 2x, I इक्वल 1 अपॉन 32, और कोस 2x वाली टर्म कितनी आ रही है, 3 टू जा 6 और 3 9 बाई 2, सॉरी मैंने 7 बाई 2 बोल दिया, देखो एक बार इनको सोल्व करो, ये कैंसिल हो गया ना, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, कैंसिल हो गया, 2 है, और 2 भी कैसा है माइनस 2, तो ये बनेगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 बाई 2, सही बोला था मैंने, माइनस 7 बाई 2 कोस 2x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अपॉन 3 हो जाएगा, 8 अपॉन 3 कोस क्यूब 2x आ रहा है, ठीक है, कोस क्यूब 2x ये आ गया, लेकिन यहाँ पे भी सिंगल x नहीं है, 2x आ रहा है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो जिसमें cos आए, cos 2x क्या होता है 2 cos square x माइनस 1, तो इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे 2 cos square x माइनस 1, तो ये बनेगा I इक्वल 1 अपॉन 32 और इसको लिखा मैंने माइनस 7 अपॉन 2 cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos square x माइनस 1, ठीक है, प्लस 8 अपॉन 3 कोस 2x की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होल क्यूब है तो होल क्यूब लिखा मैंने, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर का पहले रफ कर देते हैं, तो ये बनेगा I इक्वल 1 अपॉन 32 को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बचेगा माइनस 7 अपॉन 32, माइनस 7 अपॉन 32 कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 7 अपॉन 64 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से, तो ये बनेगा प्लस 7 अपॉन 64, ठीक है जी। आगे देखो प्लस प्लस, अब ये 1 अपॉन 32 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल 4 टाइम, 4 3 जा 12, तो 1 अपॉन 12 है इसके आगे, 1 अपॉन 12, और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे a माइनस बी होल क्यूब तो ये बनेगा a क्यूब, तो इसका क्यूब करो तो ये बनेगा 8 कोस राइज टू पावर 6, ठीक है, कोस राइज टू पावर 6x माइनस b क्यूब माइनस 1 हो गया, ओके, माइनस 3 a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 इंटू इसका स्क्वायर करो 12 और इसका स्क्वायर करो 4x इंटू बी, 1 करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अभी तक हमने तीन टर्म लिखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, और एक टर्म और आएगी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू दिस टर्म इंटू 1 स्क्वायर, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 इंटू ए यानी 6 कोस स्क्वायर एक्स,
ठीक है, ये आएगा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी आ गया। ओके, आई इक्वल, यहाँ पे पहले मैं कोस क्यूब वाली जो टर्म है उसको लिखना चाहूंगा, तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो कितना आएगा 4 से कैंसिल होने के बाद 2 अपॉन 3 कोस 6x, ठीक है। और अब पावर 4 को लिख लो, ये वाली 4 है ना, तो इनको सोल्व करोगे तो 12 कैंसिल माइनस कोस पावर 4 माइनस कोस 4x हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर वाले, ये वाला ये वाला, तो इन दोनों को सोल्व करो, तो ये 1/12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 1/2 है, ये क्या है 1/2 और इधर है माइनस 7/32, तो कितना आएगा एलसीएम 32, तो 2 16 जा और 32 वन जा 7, कितना 9/32, तो ये आ रहा है प्लस का 9/32 कोस स्क्वायर एक्स। ओके, और कांस्टेंट टर्म जो है ये वाला और माइनस 1/12 जो भी आएगा इस कांस्टेंट में सोल्व होके एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, सपोज कैपिटल सी आ गया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, और वो ये मेथड कि ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको तो छेड़ो मत और कोस क्यूब एक्स को छोड़ो मत, मतलब इसको ब्रेक कर दो, मैंने कर दिया इसको कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स में, ठीक है। अब इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, तो इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कोस एक्स एज इट इज। अब कुछ ध्यान आया, पिछले एक्सरसाइज में आपने ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व किया था, यहाँ पे साइन एक्स को अगर मैं टी से रिप्लेस कर दूँ तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे कोस एक्स मिलेगा, ठीक है, काम इजी हो गया। तो मैंने क्या किया, पुट साइन एक्स इक्वल टी, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, ये उससे भी इजी हो गया जो अभी हम कर रहे थे। आई इक्वल इंटीग्रेशन, इसको आपने टी लिखा है तो ये बन गया टी क्यूब, और अंदर वाला 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को आपने टी बोल रखा है, और कोस एक्स डी एक्स के बदले डी टी आ गया। अब ये एलजेब्रिक में कन्वर्ट हो गया, इसको तमीज से लिखो, ये बनेगा टी क्यूब और माइनस टी रेज टू पावर 5, तो सेपरेट कर दो, माइनस टी रेज टू पावर 5 डी टी। अब इनको इंटीग्रेट करना है, आई इक्वल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी राइज टू पावर 4/4 यानी 1/4 टी राइज टू पावर 4, और इसका आएगा 1/6 टी राइज टू पावर 6 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, अब टी की वैल्यू पुट करनी है। आई इक्वल 1/4 टी राइज टू पावर 4 यानी साइन राइज टू पावर 4x माइनस 1/6 साइन राइज टू पावर 6x प्लस सी, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है, दोनों ही आंसर राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे 2 मिल जाए तो 2 साइन है साइन भी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई इक्वल, ये आई है 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी एक्स। आई इक्वल, तो ये बनेगा 1/2 और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 2 sin a sin b, ये क्या होता है कोस ए माइनस बी, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, लेकिन कोस में तो वो प्लस ही लिखा जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, प्लस करो दोनों को 3x इंटू साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस साइन 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस एक्स इंटू साइन 3x, ठीक है, और माइनस ये 1/2 यहाँ भी है 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा साइन 3x कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसमें तो 2 की कमी है, 2
टू लगा देंगे, लीनियर पहले से है और सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लेकिन ये दिक्कत रियल में दिक्कत नहीं है, ये खुद एक आइडेंटिटी है। कौन सी है? टू कोस साइन बी फॉर में टू, यहाँ पे अगर टू लग जाए तो टू कोस साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई इक्वल वन बाई टू एज इट इज, और यहाँ पे मैंने टू अप्लाई किया, कोस ए मतलब कोस एक्स साइन थ्री एक्स, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे टू अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे ना, तो अपॉन फोर आएगा, ठीक है। यहाँ पे टू अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे उसको कैंसिल करने के लिए टू लिखा जाएगा, तो ये बन गया वन बाई फोर, और इधर हो गया टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स, चलो लिख लो पहले टू साइन एक्स साइन थ्री एक्स कोस थ्री एक्स, ये कोस साइन थ्री एक्स कोस थ्री एक्स है ना भाई, यहाँ पे इसको थ्री करो, ये थ्री एक्स आएगा यहाँ पे, ओके। तो अब ये बनेगा आई इक्वल टू कोस साइन बी, वन अपॉन फोर को तो मैंने एज इट इज लिखा है, और अब जो टू कोस साइन बी इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो वो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी कर ली ब्रैकेट, साइन ए प्लस बी यानी फोर एक्स और माइनस साइन ए माइनस बी एक्स माइनस थ्री एक्स, कितना आएगा, माइनस आएगा, तो उसको प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया कोस टू एक्स, ओके, माइनस डी एक्स माइनस वन बाई फोर, और ये बन गया साइन टू थीटा फोर मतलब सिक्स एक्स डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, आई इक्वल तो इसका क्या आएगा, अपॉन फोर आएगा, एक अपॉन फोर पहले से, तो वन अपॉन सिक्सटीन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, आएगा क्या इसका, कोस फोर एक्स आएगा, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, इसमें भी माइनस आएगा, ये टू नीचे आएगा तो वन बाई एट हो जाएगा कोस टू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स नीचे आएगा वन अपॉन ट्वेंटी फोर और कोस सिक्स एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन में भी सबसे पहले तो दो की कमी है, तो मैंने वन बाई टू इंटू टू लिखा, टू साइन फोर एक्स साइन एट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बन गया टू साइन ए कोस बी, और टू साइन ए कोस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो अब मैं इसको क्या लिखूं, आई इक्वल वन बाई टू एज इट इज, और इसको मैंने लिख दिया कोस ए माइनस बी फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस फोर एक्स, लेकिन कोस में वो प्लस ही लिखा जाता है, और माइनस कोस ए प्लस बी, दोनों को प्लस करो तो ये आएगा ट्वेल्व एक्स डी एक्स। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई इक्वल वन बाई टू कोस फोर एक्स का इंटीग्रेशन वन बाई फोर साइन फोर एक्स, ठीक है, माइनस ये वन बाई टू इसके साथ भी है, और इसका क्या बनेगा, वन बाई ट्वेल्व नीचे आएगा और कोस का हो जाएगा साइन ट्वेल्व एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब इनको थोड़ा तमीज से लिख दो, आई इक्वल वन बाई एट साइन फोर एक्स माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर साइन ट्वेल्व एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, इसमें देखो वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स है, ठीक है। तो वन माइनस कोस एक्स तो हम जानते हैं टू माइनस में है तो साइन स्क्वायर में आया था, और ये प्लस में है तो कोस स्क्वायर में आएगा, लेकिन हाफ एंगल में आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप कोस टू एक्स की आइडेंटिटी पढ़ते हो तो एक तो साइन वाली माइनस में है ना, तो साइन में आएगा, तो पहले साइन वाली लिखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब यहाँ से आप इसको इधर ले आओ नेगेटिव वाली टर्म को, तो ये पॉजिटिव हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या वन माइनस कोस टू एक्स है, तो यही तो फॉर्मेट है यहाँ पे भी वन माइनस कोस करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस वाला है तो इसी फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ, इसका मतलब न्यूमरेटर तो क्या बनेगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू,
न्यूमरेटर क्या आएगा इसका 2 साइन स्क्वायर और ये जो एंगल इसका हाफ यानी x बाई टू, और प्लस में होगा तो कोस में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई टू। कैसे? क्योंकि कोस 2x की दूसरी आइडेंटिटी कोस वाली आपको पता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो इसी फॉर्मेट में तो डिनोमिनेटर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है। अगर यहाँ पे 2x है तो राइट साइड उसका हाफ एंगल आया है, तो यहाँ भी क्या आएगा, अगर यहाँ पे x होगा तो x का हाफ हो जाएगा, अगर x होगा तो ठीक है। तो इन दोनों आइडेंटिटी को अप्लाई करना है ध्यान रखने के लिए, प्लस वाले में तो कोस में आएगा, माइनस वाले में साइन वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो ये तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, ओके। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वी नो दैट वन माइनस कोस एक्स इक्वल टू, माइनस में है तो साइन में आएगा, टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल एक्स बाई टू, एंड वन प्लस कोस एक्स, तो प्लस में है तो ये कोस में ही आएगा, क्या आएगा, टू कोस स्क्वायर हाफ एंगल एक्स बाई टू। अब ये यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन, ऊपर तो आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और डेनोमिनेटर में आएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, तो ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको तमीज से लिखिए तो बन गया टेन स्क्वायर, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन टेन स्क्वायर का तो डायरेक्ट हम नहीं जानते, लेकिन टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू आ जाएगा सेक के साथ, तो इसको लिखा मैंने sec स्क्वायर और एंगल ये वाला x बाई टू माइनस वन, कौन सी फॉर्मेट है ये, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल tan स्क्वायर थीटा फॉर्मेट है dx, ठीक है। अब sec स्क्वायर x बाई टू जो है इसका इंटीग्रेशन हम अच्छे से जानते हैं, sec स्क्वायर थोड़ी देर के लिए x मान लो इसको, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो मैंने लिख दिया tan और जो एंगल था वो, लेकिन x का जो कोफिशियंट है वो डेनोमिनेटर में आता है, तो 1 बाई टू डेनोमिनेटर में आएगा तो वो 2 ऊपर जाएगा, माइनस x 1 का क्या आएगा x आएगा, प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया। तो अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, और इसमें आपको cos x अपॉन 1 प्लस cos x मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर एक और मिल जाता तो काम ईजी हो जाता, ईजी कैसे, वो तो कुछ नहीं होता, वो तो पूरा कट जाता और x लिख के आंसर मिल जाता आपको, है ना, लेकिन हम भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं कि इसको इजी बनाए टिपिकल से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन को ऐड कर रहा हूँ, वन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा I इक्वल इंटीग्रेशन वन प्लस कोस एक्स, मैंने अपनी तरफ से वन ऐड किया तो उसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस वन कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो वन प्लस कोस एक्स है इससे सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ इसमें और वन में, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन वन प्लस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन आप कॉमन ले लो, इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आएगा, मतलब ऊपर वाला आएगा, ठीक है। अब इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बनेगा वन, तो ये हो गया डी एक्स माइनस, और इसको पिछले पार्ट में आपने देखा था वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर, प्लस में या तो कोस में आएगा टू कोस स्क्वायर हाफ एंगल, टू कोस स्क्वायर यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ, दैट इज एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख दो, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ये ऊपर आएगा तो वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, ओके। आई इक्वल तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 बाई टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाई टू, ये होता है, लेकिन यहाँ पे x का जो कोफिशियंट है दैट इज 1 बाई टू, वो डेनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर जाएगा 2, ये लो 2 ऊपर, प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी, ये 2 कैंसिल हो गया, तो i क्या आया x माइनस tan x बाई टू प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।